के अंदर जितना भी डस्ट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए एक मतलब पाइप द्वारा वो चारों तरफ प्लांट में घूमता है, और उसका एक ब्लोअर द्वारा पूरा हवा जो भी डस्ट वो होगा उसको खींच के और बाहर ब्लोअर द्वारा फेंकता है, जो कि डीसीएस उसका मतलब डीसीएस के अंदर उसका वर्किंग होता है। तो यानी कि डस्ट कलेक्टर सर्विस या सिस्टम आप बोल सकते हैं। और तो वहाँ पे उसका जो मतलब प्लांट में जो भी है उसका एक पैनल यहाँ पे लगाया गया होगा, जो जो कि आप देख सकते हैं डीसीएस, यानी कि जितना भी डस्ट कलेक्टर का जो भी सिस्टम है सब यहाँ से चलेगा इस प्लांट का। ये पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो इनकमर है वो 250 एम्पीयर का है, TPN यानी कि 3 फेज, और न्यूट्रल यहाँ पे सप्लाई आएगा जो कि MCC भी है, और यहाँ पे 250 एम्पीयर का इनकमर सप्लाई आएगा। उसके बाद में देखिए आप ऊपर यहाँ पे RYB का 3 इंडिकेशन, यानी कि जब सप्लाई ऑन होगा तो तीनों इंडिकेशन वो चालू ऑन होगा। और उसके बाद में एक मल्टी फंक्शनल मीटर है, और उसके बाद में एक VFD है, जो VFD है मेन ब्लोअर जो है 100 HP का VFD, उसके लिए ये आपका VFD यूज़ हो रहा है, यानी कि 100 HP का जो मोटर है ब्लोअर का वो VFD से कंट्रोल होगा। उसके बाद में VFD सिस्टम का यहाँ पे देखिए कि ये स्टार्ट है, स्टॉप है, और स्ट्रिप का इंडिकेशन है। यहाँ पे स्पीड अप और स्पीड डाउन, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी द्वारा होता है, जो कि अपना VFD सिस्टम में ही काम करता है। तो यहाँ पे स्पीड अप कर सकते हैं मोटर का, स्पीड डाउन कर सकते हैं ये ब्लोअर का। और उसके बाद में एक दूसरा भी वहाँ पे मोटर है कि ड्यूल स्टार्टर भी है अंदर हो राव का। और उसके बाद में यहाँ पे उसको ऑपरेटिंग करने के लिए यहाँ पे सिस्टम दिया है, स्टार्ट है, स्टॉप है, और ये ट्रिप इंडिकेशन है। ये राव 2 का ये दूसरा मोटर है 1 HP का, ये भी ड्यूल स्टार्टर है, इसका भी यहाँ पे सिस्टम दिया है स्टार्ट, स्टॉप और ट्रिप। और उसके बाद में नीचे एक ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप, और एक इमरजेंसी, यानी कि पैनल में अगर कुछ भी आप साइड में फॉल्टेज या कुछ भी आप देख रहे हैं वहाँ पे, तो आके इमरजेंसी स्टॉप को दबाएंगे तो पूरा सिस्टम ही क्लोज हो जाएगा। अभी जो डस्ट आ रहा है उसको मतलब कितना प्रेशर से उसका आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंटर प्रेशर इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि उसका अभी प्रेशर कितना है। उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे डक्ट प्रेशर इंडिकेटर, ये भी मतलब दूसरे वाला का जो है उसका इंडिकेट करता है, ये भी प्रेशर इंडिकेटिंग करता है। और ये जो है पहले आप देखें डिफरेंटल प्रेशर का इंडिकेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑफ ऑन का ये जो एक मैनुअल एक स्विच दिया हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हूटर है, अगर यहाँ पे मतलब उस सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है तो यहाँ पे सायरन बजेगा, तो इसको फिर यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं तो सायरन क्लोज होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि और भी काफ़ी सारा इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। डिफरेंटर प्रेशर अगर हाई हो गया तो ये वाला इंडिकेट करेगा आपको, ये आपका बैक फिल्टर प्रेशर यानी कि लो हो जाएगा प्रेशर तो ये वाला इंडिकेट करेगा, और डस्ट लेवल अगर हाई हो गया तो ये वाला इंडिकेट करेगा, और राव इरोर अगर कुछ भी फॉल्ट होता है राव में तो यहाँ पे इसका इरोर शो करेगा। डस्ट लेवल हाई अगर होगा तो ये वाला, और राव का जो इरोर आएगा तो यानी कि ये वाला शो करेगा। और फायर डम्पर क्लोज, और फायर डम्पर यानी कि उसका जो वाल होता है पाइप में अगर वो क्लोज हो गया तो ये वाला इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे एक ऑटो मैनुअल का भी स्विच दिया है, जैसे कि ये मैनुअल है, मैनुअल में आप रख सकते हैं। अब मैनुअल यहाँ पे ऑफ है, इधर मैनुअल और इधर ऑटो, यहाँ पे ऑटो करके यानी कि जो सिस्टम में आपको चलाना है पैनल को, सिस्टम को जो भी रखना है वहाँ पे रख के आपको चला सकते हैं ये। तो यानी कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन था DCS के लिए। तो यहाँ पे अभी ये जो VFD है 100 HP का, तो इसके लिए तो केवल मैं मतलब यहाँ पे अभी 3.95 का केवल यूज़ हुआ है, और यहाँ पे आपका जो MCC भी है 250 एम्पीयर अभी इसका केवल आया नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ये आपका DCS के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जो भी मतलब जितना भी कोशिश किया मैं ये पैनल के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इसी तरह का इलेक्ट्रिकल और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नॉलेजबल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।